दोस्तों सब्सक्राइब करें INDNews हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। मैं बुरैर मेहदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है INDNews। दोस्तों अगर आप चाहते हो पुलवामा में हुए शहीद जवानों का भारत बदला ले तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जैसे कि आपको पता है कल से विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। अभिनंदन वर्तमान को कब्जा करने के बाद सरकार ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को जल्द से जल्द भारत लौटा दो, नहीं तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा। आइए आपको बताते हैं पूरे वाक्य के बारे में। दरअसल हुआ यूं कि भारतीय वायुसेना ने पाक में जाकर जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह करने के बाद पाकिस्तान में काफी हड़कंप मच गया था। इसके बाद भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कल दोपहर 12 बजे जेट F-16 से भारत पर हमला करने की कोशिश की और उन्होंने पुंछ और राजौरी के इलाके में बम भी गिराए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से हुए इस हमले में भारत को कोई जीवित हानि नहीं हुई और इसी के बाद जब पाकिस्तानी जेट वापस लौट रहे थे तो भारतीय सेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने उनके जेट को निशाना बनाया और पाकिस्तान के फाइटर जेट को खदेड़ दिया। लेकिन इसी दौरान विंग कमांडर पायलट अभिनंदन का जेट MiG-21 गलती से POK में घुस गया और पाकिस्तानी सेना ने इसका पूरा फायदा उठाया और पायलट अभिनंदन का जेट MiG-21 को मार गिराया। लेकिन जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन को पता चला कि यह जेट अब गिरने वाला है, वैसे ही वह पैराशूट की मदद से जेट से निकलकर बाहर आ गए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्व वह पाकिस्तान में ही जा गिरे, जिस कारण उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें कब्जे में कर लिया। आपको बता दें कि इस वाक्य के बाद अभिनंदन के पिता ने भावुक बयान दिया और कहा कि अभिनंदन के प्रति आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, ईश्वर का आभारी हूँ कि वो जिंदा है, घायल नहीं है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए INDNews हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।